हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कहानी के बारे में बता देती हूँ। दोस्तों, ये कहानी उस वक्त की है जब एक दिन मेरे पति शराब के नशे में धुत थे। घर पर उनके दोस्त भी आए हुए थे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए अब देर न करते हुए हम सुनाते हैं आपको कहानी। दोस्तों, बात तो 3 दिन पहले की है, जब मेरे पति एक दिन अपने एक दोस्त को घर बुलाए हमारे घर। वैसे मैं बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी और जिंदगी में बहुत ही खुश थी। तो ऐसे ही वो खाने के लिए बुलाए, तो मैंने बहुत सारे खाने के व्यंजन बना दिए थे। अब उनके आने के बाद भी दोनों पीने में धुत थे, दोनों ही शराब पी रहे थे और मैं यहाँ पर खाना बना रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें कहा कि खाना खा लीजिए, तो मेरे पति शराब के नशे में बेहोश हो गए। मैं समझ चुकी थी कि वो आज खाना नहीं वाले। मैंने उसके बाद थोड़ी देर बाद अपने उठा और उनसे कहा, मतलब पति के दोस्त ने, कि आप जाइए खाना खा लीजिए। हम दोनों ने खाना खाया और खाना खाते खाते बहुत सारी बातचीत की। उन्होंने मुझे कहा कि भाभी जी, आज ये इतना जल्दी लू लग गए। मैंने कहा, इनके साथ यही होता है, ये हमेशा शराब पीने के बाद लुढ़क जाते हैं। उसके बाद मैंने और उसके दोस्तों ने, मतलब मेरे पति के दोस्त ने, हम दोनों ने बहुत सारी बातें की और बातचीत के बाद वो मेरे पास आने लगा। तो मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मुझे पता है भाभी जी, आप खुश नहीं अपने पति से। मैंने कहा, ये सब बात आपको कौन बोला? तो उन्होंने कहा कि आपके पति। मैंने कहा कि वो क्या बोले? उन्होंने कहा कि वो बोले कि एक दिन वो आपको देखे थे। मैंने कहा, देखे थे मतलब? उन्होंने कहा, मतलब आप किसी और के साथ। उन्होंने कहा, पागल है, तो उन्हें मुझे क्यों नहीं कहा? क्योंकि तो उन्होंने कहा, क्योंकि आपके पति ने बोला कि मुझे पता है कि वो मेरे से खुश नहीं है, तो वो अपनी खुशी कहीं बाहर ढूंढ रही है, तो मैं क्यों ही रोकूं? और इसीलिए वो उदास उसने उदास रहने लगे। उसके बाद मुझे मेरे पति पे दया आने लगा, लेकिन तभी वो बोले कि देखिए, जो आप करते हैं सही है, लेकिन इतना मैं बोलूँगा, अगर आप मेरे साथ प्यार करते हैं तो आपको कभी पछतावा नहीं होगा। इतने कहकर वो मेरे पास आने लगा। सच कहूँ तो वो देखने में भी काफ़ी हैंडसम था, तो मैं उसे रोक नहीं पाई और ऐसे ही मैं उसके साथ वो सब कुछ कर गई। उसके बाद से मैंने उसे वादा किया कि मैं अब कभी पड़ोस के किसी से नहीं करूँगी, क्योंकि वो मुझे इतना खुश कर लेता था और मेरे पति को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा, और चलना तो उन्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये सबसे अच्छी बात थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आपको अगर ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।